तो अभी हम लोग सबसे पहले तो ये जान लेते बेटा, देखो ई क्या है? तो यूनिवर्सल सेट है। अभी अगर वो यूनिवर्सल सेट दे रहा बी और सी ए को मिला के दे रहा, यहाँ पे ए एक बीच में टांग अड़ा रहा, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कंडीशन वाइज कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बना लो तो हमको ई मिल सकता है। ये पहले ए इंटरसेक्शन ए डैश अगर कराते हो तो यू गेटिंग अ फाइ। इसी का मतलब ई माइनस ए, जहां पे ई यूनिवर्सल चल रहा है, ए कोई ना कोई सेट है, तो इट आल्सो बी ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस। देखो इतना बार ई हुआ हमारा। नाउ ई माइनस ए के लिए हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, एक दो तीन, एक दो तीन, ब्रैकेट बराबर इनक्लोज करो। नाउ दिस वैल्यू अगेन इज इक्वल टू ई माइनस ई माइनस ई माइनस यूनिवर्सल सेट में से कॉम्प्लीमेंट को माइनस किए सेट रहेगा। अभी दो इनक्लोज करो, फिर से ई माइनस यूनिवर्सल में से सेट निकाल दिए कॉम्प्लीमेंट रहा, फिर यूनिवर्सल में से कॉम्प्लीमेंट निकाले सेट रहा, सो ई माइनस ए। बात समझ रहे हो? ई माइनस कितना रहा? ए। और ये सभी बातें करते समय जब हम लोग ई माइनस ए कर रहे हैं तो हमें ये समझ में आने को ना कि हम लोग ई माइनस ए कर रहे हैं, जिसको हम लोग मीनिंग क्या दे रहे हैं, ए डैश। और ए का मतलब अगर बी यूनियन सी है और उसका अगर हम लोग डैश दे रहे हैं तो यहाँ पे काम करेगा आपका डिमोर्गन्स लॉ, विच इज नथिंग बट द बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ये देखो, इट मीन्स करेक्ट आंसर इज अवर ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसे बाय यूजिंग द ट्रिक्स यूज करना है। सो सेट ए कंटेनिंग हाउ मेनी एलिमेंट्स? तो ओनली 3 एलिमेंट। सेट बी कंटेनिंग हाउ मेनी एलिमेंट्स? तो 6 एलिमेंट। कार्डिनलिटी देखिए, कार्डिनलिटी ए की कार्डिनलिटी हुई 6। सॉरी, नाउ कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए हुआ 3, कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी हुआ 6 और ए की 3 और आपके पास 3। जब हम लोग इंटरसेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन में कम से कम नंबर को लिया जाए। तो अगर सवाल ये होता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हम लोग आंसर देते थे। अभी हमें वैल्यू पूछी गई ए यूनियन बी की, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6। इसमें के ये 3 अगर रिपीटेड हुए तीनों के तीनों तो 6 ही रहेंगे। इसमें के 2 रिपीटेड है, 2 नहीं है, इसका मतलब 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, या फिर टोटल इनकी 9 है तो टोटल कितना हो सकता है? 9। इट मीन्स जब यूनियन है तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा आइदर 6 और 7 और 8 और 9। दिस इज अबाउट द थ्योरी। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट वैल्यूज आर गिवन फॉर द क्वेश्चन नंबर 17? पहला, 2 के मल्टीपल्स ढूंढो बोल रहा। नाउ मल्टीपल ऑफ 2 कौन कौन है रे? मल्टीपल ऑफ 2, तो मल्टीपल ऑफ 2 में गए आपके 2, 4, 6, 8। मल्टीपल ऑफ 4 में गए आपके 2, 4, 6, 8, 10, सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट y के लिए बोल रहा मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल कौन है? सो मल्टीपल ऑफ 5 को ढूंढ लेते, यानी 5, 10, 15, 20, सो ऑन गए, इनफाइनाइट चल रहे चल। उसके बाद z कंटेनिंग द मल्टीपल ऑफ 10,
20, 30, दिस आल्सो डैट डैट डैश इनफाइनाइट स्टेट्स बन रहे हैं बेटा। इसी हमें ढूंढना है कि x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन है, सबका इंटरसेक्शन। सो x और y को इंटरसेक्ट करें तो मल्टीपल ऑफ 10 मिलेंगे। सिमिलरली y और z का इंटरसेक्शन करें तब भी मल्टीपल ऑफ 10 मिलेंगे। इट मीन्स सबका एक साथ इंटरसेक्शन अगर करा देते हैं तो मल्टीपल ऑफ सिर्फ किसके मिलेंगे, मल्टीपल ऑफ 10। मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नाउ क्या देखे हैं, वेन डायग्राम देखे हैं, और ये वेन डायग्राम से हमें क्वेश्चंस के आंसर देने। अभी वेन डायग्राम हमें बता रही व्हाट वैल्यूज आर गिवन, तो सबसे पहले ई की वैल्यू देखे 42। सेट ए एन ऑफ ए के जगह पे मॉडुलस फॉर्मेट देखे 15। बी हैज द वैल्यू 12। ए इंटर्स यूनियन बी इज इक्वल टू 22। देन द एरिया रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पोर्शन इज टोटल 42 है। उसी डायग्राम को मैं डायग्रामिक फॉर्मेट में देखो निकाल रही। ये पूरा का पूरा बंच बना रहा 42। 42 में से सेट ए जो है ये 15 ले रहा, सेट बी जो है वो 12 ले रहा, और दोनों का यूनियन ये जब कंबाइन हो जाएंगे तो 22 मिल रहा। इसका मतलब हमें क्या ढूंढना है, देन द एरिया रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पोर्शन। एक काम कर लेते हैं, इसको बेस्ट वे हमारे मेथड से लेके जाते हैं। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। दिस इज द वैल्यू, पुट द वैल्यूज। ए कितनी है, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 15, बी इज इक्वल टू 12 माइनस 22। नाउ 15 प्लस 12 27 एंड 27 माइनस 22 ये जो यहां पे वैल्यू जाके बैठी है ये वैल्यू हमें मिल रही 5। हमें ढूंढना है शेडेड रीजन, शेडेड रीजन में से यूनियन को माइनस करो पर इंटरसेक्शन को ऐड करो। यानी ये हुआ बेटा आपका 42 माइनस यूनियन है तुम्हारा 22 प्लस 5, और 42 प्लस माइनस 22 बना आपका 20 प्लस 5 जा रहा, आंसर बनेगा आपका 25। कैसे किया उस पर फोकस करो। नाउ मूव ऑन द अगेन नेक्स्ट वन क्वेश्चन। क्या क्या देखे इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ए सेट दिया है, ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स एंड ऑल आर बिलोंग्स टू द एन बट विद द कंडीशन। क्या कंडीशन है, 3 से छोटे होना, सॉरी 3 लेस देन एक्स लेस देन 12, 3 से बड़े होना, 12 से छोटे होना, कौन से नंबर्स। सो ए में आ गए आपके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, क्या 12 लू क्या नहीं। लेस देन और इक्वल टू लिखा रहता तो 12 को कवर कराते, अदरवाइज नहीं। नाउ बी क्या है, सेट है इवन नंबर का कहां तक के, लेस देन 15 तक के। चलो लेस देन 15 तक के इवन नंबर्स बोलो, 2 का टेबल ही बोल दो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अभी नीचे कुछ वैल्यूज देखे, चेक कर लो बेटा ए यूनियन बी में क्या सिर्फ 4, 6, 8, 10, 12 इतने ही नंबर्स आएंगे क्या, तो नहीं। इट मीन्स दिस इज नॉट अ करेक्ट वन। ए इंटरसेक्शन बी को चेक करा लो तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन कौन है,
चार इसके पास भी है, चार इसके पास भी है, छह भी है, छह भी है, आठ आठ, दस दस, यानी 4, 6, 8, 10. इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट फॉर अस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलो. व्हाट इज द नेक्स्ट इन द क्वेश्चन नंबर 20? एस कोई ना कोई एक सेट है जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू रियल देखे है. सो एस सेट की वैल्यू क्या? सेट एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज, कैसे है एक्स? तो एक्स इज अ रियल. देखते हैं कौन से रियल नंबर आते. एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, प्लस वन चेंज ऑफ साइड माइनस वन, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू आई. अरे ये क्या हो गया, आई तो इमेजिनरी हुआ, सेट तो बोल रहा रियल वाला फॉर्म दो. इट मीन्स सेट में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब फाइव. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एनडीए 2017. नाउ नेक्स्ट, देयर आर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट? सो देयर आर 600 स्टूडेंट. एक स्कूल में कितने बच्चे है बेटा? 600. क्या कर रहे हैं वो देखते हैं. 400 ऑफ देम कैन स्पीक तेलुगु, 400 बच्चे तेलुगु में बात कर सक रहे. 300 कैन स्पीक हिंदी. देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक बोथ, जो तेलुगु भी बोल पा रहे हैं और हिंदी भी बोल पा रहे. अभी देखो कितना आसान है, कुछ ज्यादा का फॉर्मूला वॉर्मूला लेने की जरूरत नहीं. हमारे पास स्कूल चल रही, स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ चल रही 600, चल रही टोटल स्ट्रेंथ 600. उसमें से 400 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि तेलुगु में बात कर पा रहे हैं. उसके बाद हमारे पास 300 स्टूडेंट ऐसे हैं, दोज आर टॉकिंग इन द हिंदी. ऐड करो तो रे 400 और 300 मिला के कितने हो गए? 700 हो गए. बच्चे तो बेटा 600 ही है. ये 100 कहां से उठा के लेके आए? इसी का मतलब हुआ कि तेलुगु और हिंदी बोलने वाले 100 बच्चे ऐसे हैं जो कॉमनली दोनों भाषा को बोल पा रहे. इट मीन्स स्टूडेंट हु कैन स्पीक बोथ तेलुगु एंड हिंदी इज हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट. जो चीजें हो सकती है वो उतने ही डायरेक्टली कर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. दैट इज नेक्स्ट वन, द सेट एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो. अभी x माइनस टू एक्स माइनस थ्री अगर ग्रेटर देन जीरो है तो तीन से बड़े दो से छोटे ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हमें पकड़ना पड़ेगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 22. ठीक है ना? और वैसा कॉम्बिनेशन अगर पकड़ते हैं तो ये टू लेस देन इसमें कौन सा नंबर आएगा? दो से बड़ा, तीन से छोटा, टू से 2.5, 2.4 समथिंग आएगा. ये अकेले पोर्शन को ले रहा, नन ऑफ दिस भी हो नहीं सकता. ट्रायल एंड एरर मेथड से जाएंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी. मूव ऑन द नेक्स्ट. सेट ए में विच एलिमेंट्स आर देयर? 3 पाई, दिस इज द ट्रांसकेंडल नंबर. ठीक है, रूट टू माइनस फाइव 2/7, देन 3 + √7. आपको लेना है सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग इरेशनल नंबर. देखो कितना सोपा सोपा सवाल है, कौन से नंबर्स को पकड़ना है? सो इरेशनल नंबर. क्या 3 इरेशनल है? नहीं. पाई इरेशनल है? सोचो सोचो जल्दी सोचो, पाई इरेशनल है. उसके बाद रूट टू इरेशनल? नहीं. पाई आपका ट्रांसकेंडल नंबर है. कौन सा नंबर है? ट्रांसकेंडल नंबर, जिसकी वैल्यू है आपके पास रूट ऑफ 2, इरेशनल नंबर. 2/7 इरेशनल नंबर, 3 + √7. सो विच इज लाइज इन बिटवीन? देखो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट जा रहा, दैट इज पाई 1 √2 एंड 3 + √7. दिस आर योर इरेशनल नंबर. अभी सवाल कुछ दिमाग में घूम रहा होगा,
पाए को मैडम आपने बोले थे ट्रांसकेंडल नंबर, यस बेटा, बट पाए हैविंग द वैल्यू 22/7, एंड व्हेन द वैल्यू 22/7 इट मीन्स इट गेटिंग द आंसर इन द फॉर्म ऑफ 3.14, पन रुकते नहीं है अपन, 3.14 रिकरिंग है, आगे बढ़ते रहते हैं, दैट्स व्हाई दैट इज अवर आंसर. मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल नंबर्स कितने हैं, तो 10. देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग 2 or 3 एलिमेंट क्या है, 2 या 3, और बोला गया, और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है हमारे. चलो यहां पे ट्रिक क्या यूज करते, 10C2 यानी 10 में से 2, और बोला है यूनियन, यूनियन बोला है, इसी का मतलब यहां पे आप क्या कर लोगे, प्लस 10 में से 3. होप आपको ये निकालना आता है, नहीं आता है तो कर लेंगे फटाफट. यहां पे ये हो जाएगा 10 × 9/2, ठीक है. यहां पे बन जाएगा आपका 10 × 9 × 8/3, का मतलब 3 × 2 × 1, या फिर डायरेक्टली लिख लो 6, नो मैटर. 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 9 × 5, 9 × 5 कितना हुआ आपका 45, प्लस यहां पे घुमा लो वैसे ही 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 12, 12 × 10 = 120, 45 + 120 it becomes 165, it means you are option number C. Move on the next question, next question के तरफ बढ़ते. अभी question number 25 को observe करो. What is given? A and B. क्या है A and B? A and B are the subset of X. अगर A and B subset of X है, इसका मतलब हुआ A is a subset of X, also B is a subset of X. Now then, which one is the correct? ये subset है, तो क्या ये हो सकता है? नहीं, ये तो logic है बेटा कि इसका complement कैसे कैसे B के बराबर होगा. नहीं, subset है इसका मतलब उसके complement के elements उसमें रहे जरूरी है, first second भी नहीं. अभी अगर union X है तो इंटरसेक्शन 5 ये भी पॉसिबल नहीं, पर अगर दोनों का यूनियन एक्स है तो ये हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट बी है और दोनों का इंटरसेक्शन 5. कैसे, उसको देख लो. अगर ए डैश इज इक्वल टू बी तो ए यूनियन ए डैश, ये तो फॉर्मूला है ऑब्वियस, कितना 5, और ए इंटरसेक्शन ए डैश, सॉरी, this is the universal set and this is the 5, and that's why your option number D is the correct for question number 25. Move on the next one, question number 26. 2 finite sets, 2 finite sets having element M and N, the total number of subset of first. अभी सबसे पहली बार If any set having the number, so total number of subset निकालने का formula क्या, 2^n, ये तो हमारा formula है ना बेटा. तो total number of subset of first जिसका elements कितना contain है, m, यानी उसके पास total number of subset हो गए 2^n है. Second के पास total number of subsets n अगर एलिमेंट्स है तो बना 2^n, और रूल बता रहा कि फर्स्ट नंबर ऑफ सबसेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर, ज्यादा है इसके पास, यानी ये प्लस 56 से आगे चल रहा. वैल्यूज को इधर उधर करो, सो 2^n माइनस 2^n इज इक्वल टू 56. नाउ यूज द ट्रायल एरर मेथड, कौन सी वैल्यूज डालू, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू इज, आप डाल के देख लो बेटा, 2^6 − 2^3, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 =
32 into 2, 64. Minus 2 into 2, 4, 4 into 2, 8, and 64 minus 8 is nothing but the 56. Now, similarly, you can use these three options also and find your answers. It means you get your correct answer. Now, move on the next one. Question number 27. Similar question already we had solved now. Now, see. Y contain कर रहा e to the power x को कर रहा ना y contain कर रहा e to the power x को second y कर रहा e to the power minus x को अभी rule wise अगर जाते हैं तो x is equal to हमारा रोज का ही काम बोल दो इसको first set के लिए the value of y is equal to e to the power x this implies y is equal to e to the power minus 1 1e For the second set, again consider x is equal to minus 1, 0, 1, which gives us the value of y is equal to e to the power minus x. This implies y is equal to e to the power minus 1, minus of minus 1 plus 1, then 1, and e to the power minus 1. Therefore, set A containing the element, set A mein kaun? सेट ए में हमारे पास है माइनस वन ई टू द पावर माइनस वन फिर जीरो वन फिर वन ई सेट बी में हमारे पास कौन जाएगा तो सेट बी में हमारे पास जाएगा बेटा देखो माइनस वन ई जीरो वन एंड देन वन e to the power minus 1. Now question पूछ रहा हमें कि आपके पास दोनों का अगर आप intersection बनाते हो दोनों का अगर आप intersection बनाते हो तो आपको क्या मिल सकता देखो intersection A intersection B में एक term जो है वो common आ रही 0,1 यानी phi नहीं None of these इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट देखे इट मीन्स दिस इज योर ऑप्शन मूव ऑन द सेकंड ये तो एकदम सेशन के स्टार्टिंग में ही करा दिया था बेटा आपको कि द फाइनाइट सेट अ फाइनाइट सेट एस कंटेन एन एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर non-empty proper subset it is 2 to the power n minus 2 formula bhulna nahi abhi kya mere kisi option ke sath match ho raha kya karenge ek kaam kar lete do ko bahar bula lo jaise hi 2 ko bahar bulayenge ye manage karne ke liye likhna padega n minus 1 which is lies in your option number 28 Now again, move on the question number 29. Which of the following is the true statement? बोल रहा है x a dash यानी क्या होता है? A complement का मतलब ऐसे element जो universal set में है पर set A में नहीं है ये तो बोल रहा है universal में भी है और set A में भी है नहीं बाबा ऐसा नहीं करते हम लोग ऐसा ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल में है पन ए में नहीं है करेक्ट बोल रहा है ये भी नहीं हो सकता ना ऑब्वियस तो ही नहीं इसका मतलब आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर बी मूव ऑन द नेक्स्ट वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो So x square is equal to 1. So x is equal to 1. Correct. X square plus 1. So x is equal to root of minus 1. And root of minus 1 is nothing but die. Now, x such that x is a real number. कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया अच्छा x is a real number जहाँ पे x square minus 9 is equal to 0 ये भी empty नहीं है और x is a real number ये तो quadratic है ये भी answer देगा
सवाल बच रहा बी के लिए, आंसर कौन सी नंबर दे रहा, इमेजिनरी, और बिलोंग किसको कर रहा, रियल नंबर को हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्यों हुआ, क्योंकि सेट बी हमें कौन से टाइप का नंबर दे रहा, तो इमेजिनरी नंबर दे रहा, एंड दैट्स व्हाई वी या जल्दी से इसको भी निपटा लेते। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर हु कैन टीच मैथ्स और फिजिक्स, 12 टीचर्स हु कैन टीच मैथ्स, 12 ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ा रहे, 9 टीचर हु कैन टीच बोथ, हमें ढूंढना है द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स। चल हमारे पास टोटल कितने टीचर्स हैं, 20, यानी एन ऑफ हमारे पास टर्म क्या चल रहा है, एन ऑफ कौन से दो सब्जेक्ट है, मैथ्स और फिजिक्स, कितने पढ़ा रहे हैं, 20 पढ़ा रहे, दोनों मिलके कितने पढ़ा रहे हैं हमारे पास, सो मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स के लिए कितने हैं, 9 है। कितने लोग सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहे, तो मैथ्स पढ़ा रहे 12, हमें ढूंढना है फिजिक्स कितने पढ़ाएंगे। हमारा फॉर्मूला काम करेगा यहाँ पे बेटा, एन ऑफ यूनियन इज इक्वल टू एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, पुट अप द वैल्यूज, टोटल 20 इज इक्वल टू 12, ये तो पता ही नहीं है, सो एन ऑफ पी इसमें से माइनस गए आपके 9, सो दिस इज 12 इज इक्वल टू नाउ 20 माइनस 9 इट्स अ 3 प्लस एन ऑफ पी, ये प्लस 3 को इधर भेज दिया, कितना हो गया माइनस 3, एंड 20 माइनस 3 इट्स अ 17। डायग्राम से अगर निकालते तो वो उससे भी आसान जाता, क्यों आसान जाता, क्योंकि आपके पास 20 टीचर्स है, 20 टीचर्स में से यस 20 टोटल टीचर्स में से 9 ऐसे टीचर्स है जो कंबाइनिंगली दोनों पढ़ा, ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स पढ़ा रहे आपके 12 लोग, 9 तो पहले ही चल रहे गए, यहाँ पे लिखने होंगे हमको 3, और हमारे पास टोटल नंबर्स जो थे, टोटल नंबर्स थे 20, यहां से ये डायरेक्टली माइनस करा लेते, देन आल्सो यू गेट योर आंसर। दिस इज अबाउट द क्वेश्चनरीज बेस्ड ऑन द सेट थ्योरी, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे रिमेनिंग सम क्वेश्चंस ऑन द सेट थ्योरी।